अस्सलाम वालेकुम जी। तो इसके अंदर स्लाइस मैंगो का जो है वो 1 लीटर वाली पैकिंग जो है वो मैंने ऑर्डर की थी, 4 इसके अंदर पीस हैं। और ये देखें 100 रुपये का है वैसे ही, तो इसका मतलब है आपको 200 ml पर गया, यानी कि 5 गिलास इसमें से निकल आते हैं 100 ml में से, तो आपको ये पर गया 5 गिलास पर गए 100 रुपये में, 20 रुपये का एक गिलास पर गया। तो ये तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आपको छोटी पैकिंग भी तकरीबन 20 रुपये की ही मार्केट से मिल जाती है अगर आप करीबी दुकान से लेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ, इन्होंने बड़े सारे बॉक्स के अंदर जो है वो शिप किया है। ये नहीं जी, मैं डर लगा रहता कि यार कहीं मैंने गलत चीज़ ना ओपन कर लूँ, गलत से मतलब ये है कि कोई और चीज़ इसके अंदर। तो ये देखें जी, ये आ गया जी स्लाइस मैंगो, और ये इस तरीके की पैकिंग के अंदर इन्होंने शिप की है, यहाँ से निकल आएंगे। ओके जी, ओके जी, ये इन्होंने बबल रैप लगाया हुआ था, ये बबल रैप मैंने रिमूव कर दिया, फाइन हो गया जी। सो मैं ओपन कर लेता हूँ एक को, ताकि आपको बताना वगैरह की। ये प्लास्टिक की पेट बोतल की पैकिंग है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी हुई है। ये तो इन्होंने लिखी हुई है, पी लिखी हुई है शायद, प्रोडक्शन डेट 22/8/20, इसका मतलब है कि ये पुराने हैं, तकरीबन 2 महीने पुराने हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक्सपायरी लिखी हुई है 18/2/20। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे लिखी हुई है 81.20 प्लस 13.20, तो 81 और 13 बन गए 94, 81 + 10 = 91 प्लस 3 = 94, और 0.20, 0.80 = 90 है, तो 95 रुपये का है दराज पे जो है ये महंगा सेल कर रहे हैं। और बाकी एक्सपायरी मैंने आपको बता दिया, ये नियर टू एक्सपायरी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये 4-5 महीनों बाद जो है एक्सपायर हो जाए। बाकी ये स्लाइस मैंगो का है, यहाँ पे ऊपर कैप के ऊपर भी इसने स्लाइस वालों ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। और ये जो है ये फ्रूट ड्रिंक है, इसके इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखें तो फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको लग रहा हो कि इसके अंदर फ्रूट जूस होगा, ये देखें ये यहाँ पर लिखे हुए फिल्टर्ड वाटर है, हाँ नहीं मैंगो प्योर प्योरी, पता नहीं मैंगो प्योरी क्या थी, 5% इसके अंदर जो है वो प्योर जूस अवेलेबल है, तो इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये थे जो हमारे 4 हमने जो है वो दराज से ऑर्डर किए थे, बाकी ये मुझे सस्ते ही पड़े होंगे, लेकिन बार इसमें जो है वो कोई ऐसी खास बात नहीं है, गारा जूस होता है जिन लोगों ने स्लाइस मैंगो जो है वो देखा होगा। बाकी इसके अंदर ये 4 थे, तो 4ों की एक्सपायरी देख लेते हैं। बाद का तो होता है कि किसी एक चीज़ की एक्सपायरी नियर टू एक्सपायर होता है, और कुछ एक्सपायर्ड ही चीज़ें भेज देते हैं। हम 4ों की एक्सपायरी, इसकी तो मैंने देख ली है, ये चेक कोई करवा दिया हो, इसकी देखते हैं। तो अगेन इसकी भी आप देख लें 22/8/20 ही है, इसकी देखें तो इसकी भी 22/8/20 ही है, और इसकी देखें तो इसकी भी 22/8/20 ही है। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, इंशाल्लाह ताला आपका रब आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामुअलैकुम।